बच्चों, मैं आपके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे ट्वेल्थ वाले के बच्चों के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ब्राउन रिंग टेस्ट। ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स और ब्राउन रिंग टेस्ट ये क्या होता है, बड़ा लोगों का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अरे ब्राउन रिंग टेस्ट जो है किसका टेस्ट है, बोलो, नाइट्रेट आयन का टेस्ट है। सबसे पहली बात दिमाग में ये सेट कर लो, अपने मस्तिष्क में ये सेट कर लो कि ब्राउन रिंग टेस्ट जो है नाइट्रेट आयन का टेस्ट है। चलो आगे बढ़ो, उसके बाद क्या है, एक्वस सॉल्यूशन किसका लिया, अरे बोल, नाइट्रेट का एक्वस, पानी में नाइट्रेट को मिलाकर सॉल्यूशन बना लिया, फेरस सल्फेट ले लिया, सॉरी नाइट्रेट KNO3 ले लो, वो भी नाइट्रेट NaNO3 ले लो, KNO3 ले लो, और KNO3 को पानी में मिला लो और उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लो। तो KNO3 को पानी में मिला के KNO3 का सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन बना लिया। उसमें क्या किया, जो सॉल्यूशन तो मैंने बना लिया एक्वस सॉल्यूशन पानी में मिला के नाइट्रेट का, ऐड किया, किसको ऐड किया, बोल बोल किसको ऐड किया, फेरस सल्फेट को ऐड किया। लेकिन फेरस सल्फेट में जो ऐड किया वो कौन सा, फ्रेशली प्रिपेयर, ताज़ा बना हुआ, ताज़ा बना हुआ खाते हैं घर पे, ताज़ा बना हुआ गरम गरम, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फ्रेशली ताज़ा बना हुआ, मैं लिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अरे किसका लिया, आयरन 2 सल्फेट FeSO4। फेरस सल्फेट भी तुम कह सकते हो, फेरस सल्फेट पुराना नाम हो गया, नाम आयरन 2, ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, आयरन 2 सल्फेट का लिया। अब क्या किया, बात समझा, पहले है एक्वा सॉल्यूशन नाइट्रेट का है, उसमें ऐड किया फेरस सल्फेट को, कौन सा फेरस सल्फेट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ताज़ा बना हुआ फेरस सल्फेट को ऐड किया, ऐड कर लिया, दोनों मिल गया। अब देखो, नाउ अब इन दिस मिक्स्ड सॉल्यूशन, कि दोनों को जो मिला दिया नाइट्रेट को और आयरन 2 को जो मिला दिया, तो एक सॉल्यूशन तो मिक्स सॉल्यूशन हो गया। अब उसमें जब दोनों मिल गया नाइट्रेट FeSO4, तो उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड धीरे धीरे एडेड, केयरफुल्ली सावधानी केयरफुली फ्रॉम द साइज ऑफ द टेस्ट ट्यूब। मैं फोटो डायग्राम में दिखाऊंगा, मैंने टेस्ट ट्यूब के साइड से धीरे धीरे वाल के साइड धीरे धीरे केयरफुली गिराएंगे। अगर इसके कारण ये है कि अगर धड़ाक से गिरा दीजिएगा ना, तो फिर आपको ब्राउनिंग जो नहीं दिख पाएगा, इसलिए केयरफुली धीरे धीरे आराम आराम से डालना पड़ता है। ओके जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अरे क्या होगा, तब ब्राउन रिंग बनेगा। क्या बनेगा, ब्राउन रिंग बनेगा, कहाँ बनेगा, ऑन द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड द मिक्स सॉल्यूशन के बीच में बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और जो मिक्स सॉल्यूशन है दोनों के बीच एक ब्राउन रिंग बन जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर में, इन द टेस्ट ट्यूब। दिस कन्फर्म, अगर ऐसा हो गया तो कन्फर्म करता है, वो सूचना देता है कि अब हो गया, उसमें क्या है, उसमें नाइट्रेट है। तो भाई पहले बोला था ये टेस्ट का किसका है, नाइट्रेट का। अगर ऐसा ब्राउन रिंग बन गया तो समझो, क्या समझो, कि यह कन्फर्म करता प्रेजेंस उपस्थिति नाइट्रेट आयन की उपस्थिति। ऐसा क्यों हुआ, तो बोलता है कि ऐसा इसीलिए हुआ, जो ब्राउनिंग जो हुआ ड्यू टू फॉर्मेशन बनने की वजह से, क्या बनने से, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, जटिल यौगिक बनता है। उसका फॉर्मूला क्या है, देख इसी को FeH2O5NOSO4, इसको बोलते हैं ब्राउन, बोलो रे बोलो, रिंग कॉम्प्लेक्स भी लोग कहते हैं, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोला मैं, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला यही है, FeH2O5NOSO4, ब्रैकेट में FeH2O5NO और SO4 बाहर में है, ब्रैकेट से बाहर है। ये रिएक्शन याद कर लेना, KNO3 है, FeH2SO4 FeSO4 है, तो इसमें तो जरा मैं क्या बोलूँ कि Fe+2 है, ऑक्सीडाइज हुआ Fe+3 में,
पहले उसको ऑक्सीडाइज हो गया, और जो जो NO3 यहाँ पे ऑक्सीजन में 5 है बच्चों, तो यहाँ पर क्या आता है +2 में, तो कुछ रिडॉक्स हो रहा है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और NO3 का रिडक्शन NO में हो रहा है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड है बच्चों। अब FeSO4 जो है ना, ये FeSO4 जब नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा तो उससे ये रिएक्शन करके बना लेगा यही ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स FeH2O5NO ब्रैकेट बंद SO4 बाहर, इसी को ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। समझ में आयो रे कि FeSO4 NO3 में क्या हुआ, NO3 इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद रिड्यूस हो गया NO में, ठीक है, और FeSO4 जो है जो रिड्यूस फ्रॉम NO से उसे रिएक्शन करके बना लियो भारी भरकम कंपाउंड ब्राउन रिंग। ओके चलो फिर ऐसे दिखला लेते बच्चों को, अब देखो मतलब फोटो को दराइए डायग्राम के बाद समझ लो थोड़ा, कि जैसे कि मतलब नाइट्रेट है और उसमें जैसे बताबे कि एंड आयरन 2 सल्फेट फेरस सल्फेट जिसको है FeSO4 नाइट्रेट FeSO4 को मिला हुआ सॉल्यूशन तैयार कर लिया था, ये सॉल्यूशन मैंने तैयार कर लिया किसका नाइट्रेट का और FeSO4 का सॉल्यूशन तैयार कर लिया, और इसमें एक कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिखाया गया है कि धीरे धीरे ये टेस्ट ट्यूब के साइड से धीरे धीरे स्लोली केयरफुली हम लोग डाल रहे हैं, तो नाइट्रेट है इसमें FeSO4 है, ये है सॉल्यूशन बच्चों, और इसमें केयरफुली हम लोग ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं इसमें केयरफुली FeSO4 हम लोग सॉरी कंसनट्रेटेड डाल रहे हैं, तो क्या होता है ना कि दो लिक्विड का जंक्शन होता है, वही क्या होता है ब्राउनिंग, क्या बनता है बच्चों, ये बनता है ब्राउनिंग, क्या बनता है बच्चों ब्राउनिंग बनता है। जैसे यही हुआ कि नाइट्रेट FeSO4 था उसमें कंसनट्रेटेड के धीरे धीरे डाला तो एक जंक्शन हो जाता है, तो इसमें बताऊंगा एक्चुअली क्या है, एक बात यही बोल देता हूँ कि ब्राउनिंग जो नाइट्रोजन फेरस सल्फेट का जो बना है वो डिकम्पोज के जाकर थोड़ा भी हिलन डुलन होगा ना, यही लगेगा तो डिकम्पोज हो जाता है डिस्टर्बिंग करने पे, क्यों, क्योंकि जो हीट इवॉल्व होता है रिएक्शन करने से वो डिकम्पोज करता है अनस्टेबल ब्राउनिंग को। FeSO5 जो NO4 जो बना है ना, यहाँ पर बना है क्या बना है FE बच्चों और H2O5 और NO और SO4 जो कंपाउंड बना है बच्चों, ये वाला जो कंपाउंड बना है वो थोड़ा अनस्टेबल होता है। इसमें एक बात और बता दूँ, आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कहेगा तो याद रखिएगा आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर वो कहिएगा +1 होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्राउन रिंग में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +1, तो इस प्रकार से ये अनस्टेबल होता है, वही बोला कि जो हीट इवॉल्व होता है ना वो डिकम्पोज करता है अनस्टेबल ब्राउनिंग को। अगर थोड़ा भी हिलाइए को डलेगा ये बनता है, अगर ठीक से सब कुछ करेंगे तो तुरंत दिखेगा, अगर हल्का मिला डुला देंगे तो आपका ये डिस्टर्ब करने पे ये ब्राउनिंग डिसअपीयर हो जाता है। समझ में आया बच्चों कि मैंने क्या क्या किया, ये नाइट्रेट है FeSO4 है इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को धीरे धीरे साइड से डाला तो दो जंक्शन बन जाता है। अब इसमें मैं बताऊँगा थोड़ा लिखा भी दूंगा कि सल्फ्यूरिक एसिड भारी होता है वो नीचे आ जाता है कंसनट्रेटेड और FeSO4 ऊपर हो जाता है जो नाइट्रेट FeSO4 और दो तरह का लेयर बन जाता है, दो जंक्स दो लिक्विड का एक लेयर ऊपर दूसरा लेयर नीचे, तो जो H2SO4 जो है ना वो नीचे की तरफ आ जाता है भारी होने की वजह से, और जो FeSO4 है और नाइट्रेट है वो दोनों ऊपर चला जाता है और दोनों के बीच में एक थोड़े देर के लिए क्या बनता है ब्राउन रिंग बनता है, वो थोड़े देर के लिए दिखेगा, अगर आप चाहे को डिस्टर्ब कर दिया हिला उला दीजिएगा तो फिर नहीं दिखेगा बच्चों। ठीक है बच्चों ये पॉइंट लिख लो फटाफट। अब कुछ पॉइंट इसके ब्राउनिंग कम्प्लेक्स थोड़ा जान लीजिए, ब्राउनिंग टेस्ट थोड़ा पॉइंट जान लीजिए बच्चों। ब्राउनिंग टेस्ट में नोट 1 है, नोट 2, नोट 1। नोट 1 में क्या है ना कि बोला फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट को यूज किया जाता है, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर फ्रेशली नहीं लीजिएगा तो एटमोस्फेरिक जो एटमोसफेयर में ये तुरंत ही एक्सपोजर करने पर तुरंत ही ऑक्सीडाइज हो जाता है कौन FeSO4, इट इज ऑक्सीडाइज टू फेरिक सल्फेट तो विच विल नॉट गिव द ब्राउनिंग। हाँ अगर फ्रेशली प्रिपेयर नहीं लीजिएगा तो एटमोसफेयर में एक्सपोजर होने से वजह से बच्चों ये फेरिक सल्फेट बना रहता है, फेरिक सल्फेट वो ऑक्सीडाइज होता है, फेरस सल्फेट तुरंत ऑक्सीडाइज होता है फेरिक सल्फेट में, तो फेरिक ऑक्सीडाइज होता है जिसकी वजह से ब्राउनिंग नहीं मिल पाएगा। उसके बाद क्या है कि ब्राउनिंग जो है अपना नाइट्रोफेरस सल्फेट का जो उसका कंपाउंड का नाम है ब्राउनिंग का वो फॉर्म एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड। जी बोला था H2SO4 भारी होता है वो नीचे चला जाता है ऊपर के नाइट्रेट FeSO4 रहता है, द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बीइंग हेवियर बोला था कि हेवियर होता है सेटल डाउन
वो नीचे बैठ जाता है और फेरस सल्फेट लेयर जो होता है ऊपर रहता है, रिमेंस ऊपर रह जाता है और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नीचे चला जाता है, तो दो लेयर बन गया। इट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन रिंग एट द जंक्शन। तो दो जंक्शन बन जाता है, उसी जंक्शन पे आपको ये ब्राउनिंग कम्प्लेक्स दिखता है बच्चों। तो ठीक है, ये ब्राउनिंग का पूरा वीडियो में डाला है बच्चों, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मैं केमिस्ट्री में बहुत सारा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बच्चों, और बच्चों के मेंटलिटी को देखते हुए कि बच्चे कैसे मेरा अच्छा करे उसे पूरा ध्यान देते रहता हूँ कि बच्चों के लिए अच्छा से वीडियो मैं अपलोड करूँ और आपकी सेवा हमेशा बना रहता हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।